नमस्कार दोस्तों, आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं, पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो शूज बिजनेस यानी जूते की इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि जूता का इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट होता है बाहर, यानी बाहर देशों में जो भेजा जाता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्योंकि एक हमारे भाई साहब हैं आगरा का, उनका वहाँ पे जूते की फैक्ट्री है, वो काफ़ी दिनों से जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर आपको जूते का व्यापार करना है यानी जूते को एक्सपोर्ट करना है, तो कुछ चीज़ें हैं, लाइसेंस हैं, जो आपको जानना जरूरी होता है। जैसे आपका यहाँ का कंपनी फॉर्मेशन होना चाहिए, आपका पैन टैन जो है वो होना चाहिए, आपका लोकल GST होना चाहिए, आपके पास आपका IC लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास आपका कस्टम क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका लेदर का डिपार्टमेंट जो होता है RMC जो सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप, वो होना चाहिए। अगर ये 6-7 चीज़ आपके पास है और आप जूते के कारखाना है आपके पास और आपके पास अच्छा डिज़ाइन है लोगों, मतलब जूते का, या मान लीजिए आप कलेक्शन मर्चेंट भी हैं, मर्चेंट करके भी आप भेजना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है आप लेके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जूता का व्यापार को बढ़ाने के लिए यानी एक्सपोर्ट करने के लिए। सबसे बड़ा बात है कि आप अपने नेबरिंग कंट्री में देखिए, अभी दो तरह के जूते इसमें आ चुके हैं, एक लेदर शूज़ है और दूसरा जो आता है आपका सिंथेटिक, और वो चीज़ है। तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट में जाना है, आपको लेदर शूज़ में जाना है या आपको सिंथेटिक जो कपड़ा आता है वो शूज़ में जाना है। मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों, आप देखिए एडिडास, नाइकी, इतना बड़ा बड़ा कंपनी जो इंडिया में नोएडा में ही जूते बनाती है और इंडिया में ही सेल करती है, यानी ना एक्सपोर्ट के नाम पे, हम एक्सपोर्ट की हुई चीज़ों के नाम पे जूता पहन रहे हैं, मगर वो जूता ओरिजिनल में मेड इन इंडिया ही है, बस ब्रांडिंग उसका इतना अच्छा है कि वो लगता है कि बाहर का है। हाँ, ये काम कैसे होता है कि उन्होंने अपना एक फॉर्मेट बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, इंडिया में एक कंपनी खोला है और कंपनी खोल के फिर वो शूज़ बना रहे हैं और विदेशी ब्रांड के नाम पर हमें बेच रहे हैं। तो एक तो ये प्रोसेस होता है, अगर हम भी किसी दूसरे कंट्री में अगर काम करना चाहते हैं और अगर हमारा ब्रांडिंग अच्छा हो, काफ़ी अच्छा पोजीशनिंग अगर हमने बना रखा है, तो हम वहीं पे अपना यूनिट खोल के उस कंट्री में उस किसी बंदे के साथ टाई अप करके वहीं पे जूता बना के वहीं पे हम सेल कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है शूज एक्सपोर्ट का यानी बढ़ाने का बिजनेस बढ़ाने का। दूसरा होता है, बहुत सारे बाइंग हाउस होते हैं इस फील्ड में, यानी शूज इंडस्ट्री और क्लोथ इंडस्ट्री में बाइंग हाउस होता है जो बाहर विदेशों में रहता है, वो क्या करते हैं, वो आपको ऑर्डर देते हैं, यानी वो आपके चीज़ों और अपना इम्प्लीमेंटेशन पूरा मैनुअल आपको देते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। वो सिस्टम को फॉलो करके आप चीज़ें बनाते हैं, मगर वो क्या करते हैं, आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डर और एडवांस पैसा देके वो चीज़ें बना के ले जाके अपने देश में चलाते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मेट होता है आपका शूज़ एक्सपोर्ट का। तीसरा फॉर्मेट जो होता है, अगर आप खुद का ब्रांड प्रमोशन करके वहाँ पे जो अपना ऑफिस खोलिए या वहाँ के बाइंग एजेंट से आप कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना बना हुआ ब्रांड आप वहाँ पे प्रमोट कीजिए फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और इंडियन एम्बेसी से भी बहुत सारा कुछ हेल्प मिलता है, इसके थ्रू आप वहाँ की कंपनी को कॉन्टेक्ट कीजिए और उनको अपना ब्रांड बेचिए। ये तीन तरीका है जिससे, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है हमने बताया, इसके ज़रिए आप अपने शूज़ को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, अगर इससे भी मान लीजिए आपको थोड़ा सा आपका दिमाग चलता है, यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा आप हैं टेक्निकल में, तो आजकल डाटा मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करता है, यानी आप जिस कंट्री में टारगेट कंट्री में काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ के 10,000-20,000 बायर का ऑलरेडी पहले से ही मतलब नाम, नंबर, मोबाइल नंबर सारा कुछ बिकता है, आप उसको खरीद सकते हैं और ख़रीद के उनको अपना सैंपल भेज सकते हैं, मोबाइल में ही, व्हाट्सएप में उनको फ़ोटो भेज सकते हैं, रेट भेज सकते हैं, ये सब चीज़ें भेज सकते हैं ताकि आपको वो सैंपल का ऑर्डर दे, और अगर आपका सैंपल वहाँ पे पहुँचता है, पास आउट होता है, तो आपको ज़रूर ऑर्डर मिलेगा दोस्तों। और अगर आप 100 लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं तो 5 काम आपका होना ही होना है। ये था शूज इंडस्ट्री के बारे में कि शूज इंडस्ट्री स्टार्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपना जूता बाहर भेज पाएँ। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई सब्जेक्ट या कुछ चीज़ आप जानना चाहते होंगे शूज इंडस्ट्री के बारे में, तो हमारे नीचे दिए गए बॉक्स पे या हमें कमेंट कीजिए, या हमारा मेंबरशिप भी चालू होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसका मेंबर बनिए, और आपको जो भी कस्टमाइज चीज़ जानना है हमें बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।